सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्रयास पशुपालक किसान साथियों को जब भी अपनी वीडियोस में पशुधन दिखाया जाए, अच्छी क्वालिटी का अच्छे दूध का पशु दिखाएं, लेकिन मोस्टली अच्छे पशु जो है कैमरे के सामने कम आ पाते हैं, क्योंकि हर तरह का पशुपालक जो है, पशुधन खरीदने वाला और बेचने वाला जो है, इधर जुड़े हुए हैं और कम रेंज के पशु भी दिखाते हैं। लेकिन आज फिर से एक ऐसे पशुपालक, मैं कहूँगा आम पशुपालक हैं, लेकिन भाई ने पिछली जोटी जो है सेल करने के बाद जो है सेल परचेज का काम करने की थोड़ी तैयारी की और आज फिर से एक और शानदार जोटी जो है आप पशुपालकों के सामने लेके आए हैं। इसके बारे में डिटेल से पूछें, ऑनर से मिलवाएं। उससे पहले जितने भी किसान साथी इस वीडियो को पहली बार स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रेगुलर वीडियोज आप तक पहुंचती रहें, और जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को भी लाइक करें। तो आज मैं कहूँगा पहली जो पिछली बार जोटी दिखाई थी, बड़ी लाजवाब क्वालिटी की जोटी जो है, जैसे ही हमने वीडियो शूट की, वीडियो डाली भी नहीं, लाइव के जरिए लाइव चलाया था, लाइव से ही जो है वो अपने ताऊजी राम सिंह पांडवान उन्होंने खरीद ली थी। और आज मैं बात करूं उससे भी शानदार एक और जोटी, बहुत बड़े आर्डर की, ब्रीड वाइज और दूध वाइज हर चीज़ से मैं कहूँगा परिपूर्ण जो पशुधन आप भाइयों को दिखा रहे हैं। आज की वीडियो गांव है लडाण, डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा से ये वीडियो लेके आ रहे हैं जी, उधम भाई के यहाँ से। भाई पिछली जोटी दूसरे ब्यात की दिखाई थी, आज पूछते हैं क्या कुछ जानकारी है, आपको मिलवाएंगे। लास्ट तक जो है वीडियो में आप भाई बने रहें। आ जाओ जी भाई साहब। तो आज फिर से एक और शानदार जोटी है, तो उधम भाई क्या कुछ डिटेल है बताएं एक बार। नमस्कार भाई। नमस्कार जी भाई साहब, ये तीसरे ब्यात में है। तीसरे ब्यात में जी, सेकंड ब्यात में 20 किलो दूध दिया है हमने। तीसरे ब्यात में अभी ब्याही हुई है, सेकंड ब्यात में 20 किलो दूध निकाल रखा है। और मान लो अभी अपने पास आए, कितना टाइम हो गया इसको? कल ही लेके आया। कल ही लेके आए हो? इसने बच्चा कब दिया है? आज अभी दिया। आज ही? कितना टाइम हुआ होगा बच्चा दी? 5 बजे सुबह। तो बच्चा कटड़ा या कटड़ी? कटड़ा है भाई साहब। कटड़ा। तो अभी बिक्री का विचार कर लिया, सेल परचेज का काम करोगे? हाँ भाई साहब। तो देखिए जी, एक अच्छा पशुधन अपने घर पे तैयार करके बेच के, और आज जो है एक आम पशुपालक का भी मन हुआ कि कहीं ना कहीं जो वीडियो के जरिए हम भी पशुपालकों को अपने पशु दिखाएं, और पशुधन भी बड़ा लाजवाब है। तो एक बार इसको खोल के चला के दिखाओ, फिर लास्ट तक आप भाई बने रहें। जैसे जैसे जोटी खुल के चलेगी आप कैमरे में देखना, एक से एक शानदार जो है अपने ब्रीड के करेक्टर या शारीरिक जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा इसका। ये देखिए जी, सींग, छोटा सींग, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाइट और लेंथ के साथ में। बात करें एक पशुधन, एक भैंस जो अपनी सही जो कीमत, या मैं कहूँ सही ब्रीड वाइज जो है अपने करेक्टर्स दर्शाती है, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। भैंस जो है बहुत ही लाजवाब, जो आर्डर की क्वालिटी के साथ में बिल्कुल लेवा आप देख सकते हैं, फंसी हुई है क्योंकि अभी अभी इसने जो है एक मेल काफ को जन्म दिया है। ले आओ जी, और अभी फ्रंट से लेके और आपको लास्ट तक दिखाई जाएगी पूरी वीडियो। ये देखो जी, ये इसकी फेस वैल्यू है। अब जैसे जैसे आप भाई पीछे आते जाएंगे, देखो जी आर्डर की क्वालिटी, थनों की क्वालिटी बहुत ही अच्छे। रोक लो एक बारी, ये देखिए लेवा बड़ा लाजवाब। और बात करें जो थनों की, तो ओरिजिनल जो थन है दूध वाली मैंस का जो थन है वो आप भाइयों को देखने को मिलेगा। ये देखो जी, एक एक वेन ले चलो जी, आपको क्लियरली इस वीडियो में दिखाई दे रही है। अभी इसने सुबह लगभग जो है, इनका कहना है 5 बजे इसने जो है बच्चे को जन्म दिया है, और अभी जेर भी नहीं डाली है। और पहले ही, क्योंकि दिन में अगर वैसी भैंस होती तो दूध के टाइम पे कवरेज होती, लेकिन ऐसी ताज़ी ब्याही हुई भैंस की कभी भी हम कवरेज कर सकते हैं। बहुत सारे भाइयों के पिछली वीडियो भाई की डाली थी, तब स्पेशली फ़ोन आए थे कि वो जोटी आपने बेच दी, तो तुरंत जो है उससे भी शानदार जोटी लेके आए हैं। और इस जोटी की ब्रीड करेक्टर आप देखिए जी, ये देखो। अगर लेवे की बात करें तो आगे की साइड से देखते हैं, तो यहाँ से आपको दिखाई देगा बहुत ही लंबा आर्डर है, और जो है एक अच्छा पशुधन सिलेक्शन करके लेके आए हैं। और हर कोई पशुपालक चाहता है जी अच्छा पशु खरीदें, लेकिन
समस्या सिर्फ ये है कि अच्छे पशु कम हैं जी, आज निकल के कम सामने आ रहे हैं। एक बहुत भाइयों का एक ही मोटिव रहता है कि ब्यांत बहुत ज़्यादा पड़ गए, तो ब्यांत तो पड़ गए जी, लेकिन अच्छे पशु नहीं हैं। कारण ये है कि पशुपालकों ने पशु जो है तैयार करने से रह गए। लोग जब भी भैंस बच्चा देती है या कटड़ी है सेल करने लगे, और सेल परचेज के कारण धीरे धीरे जो है अच्छे पशु कम होते जा रहे हैं। कुछ सीमन डुप्लीकेट सीमन ने भी जो है बहुत ही लॉस किया है पशुपालकों का। तो उधम भाई इसको भी बिक्री की तैयारी कर दी इसकी भी, बिक्री के लिए भाई। तो क्या कुछ अपेक्षा है, अब की बार कितना दूध निकाल देगी? 24-25 लीटर दूध निकाल देगी। तो अभी बेचने का विचार है, दूध तैयार करके कैसे विचार बनाए? अभी दे देंगे जी, अभी बिकेगी तो अभी भी बेच दोगे? हाँ भाई। तो रेट साथ में करोगे या कैसे? रेट मौके पे करेंगे। मौके पे। तो जो बच्चा है पीछे वो किसी सीमन का है कैसे? भाई साहब इसके बारे में नहीं पूछा। नहीं पूछा, मान लो कोई खरीदेगा तो आप पूछ के बता सकते हो उसको, पिछले मालिक से पूछ लेना है। तो मोबाइल नंबर अपना एक बार बता दो। 98-127-90-432। ये इनका संपर्क सूत्र है जी, पिछली वीडियो भी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जैसे ही हमने लाइव चलाई तुरंत जो है थोड़ी देर बाद जो है मैं कहूँगा वो पशुधन इनके यहाँ से सेल होके और शायद 10-11 बजे से पहले ही साई वगैरह हो गई थी, दूसरे दिन भाई उसको ले गए थे और अच्छे दूध पे चल रही है वो भैंस। वो वहाँ से अगर मौका मिला तो दिखाएंगे। बाकी ये भैंस भी बहुत ही अच्छी है ब्रीड वाइज, या बहुत सारे पशुपालक ये कहते हैं ब्रीडिंग के लिए भैंस चाहिए, तो जी कम्प्लीटली ब्रीड करेक्टर ये पास कर रही है। थन बहुत ही मजबूत है, क्योंकि दूध वाली जो भैंस होती है सबसे मेन होता है थन। कई बारी दूध तो सिंगल थन की भैंस भी निकाल देती है, लेकिन ऐसे थन पासे मिलते नहीं। तो जितने भी भाई जुड़े हैं जी, आप भाइयों को जिस भी पशुपालक को पशुधन पसंद आया इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी।